गाइज मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट ग्यूलिया बर्नेंडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट है जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जितना साथ एक इंसान दूसरे इंसान का नहीं निभाता, उससे ज्यादा तो ये बेजुबान जानवर एक इंसान का साथ निभा देते हैं। कैसे? जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को एक्चुअली एक हॉस्पिटल की नर्स ने खींचा था। उसके अनुसार ये बुजुर्ग पिछले 3 दिन से अस्पताल में थे, लेकिन उनके परिवार से कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया। पर ये कबूतर पिछले 2 दिन से उनके बेड पर आता, आके बैठता और थोड़ी देर बैठ के चला जाता। बाद में पता लगा कि बुजुर्ग अस्पताल के पास वाले पार्क में इस कबूतर को दाना डाला करते थे। गाइस क्या आपको भी लगता है कि ये बेजुबान जानवर आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का कर्ज बड़े अच्छे से निभाते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को टैटू बनवाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रहे हो तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे टैटू होगा तो आप इंडिया में बहुत सारी हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स और बहुत सारी सिविल सर्विसेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी है वो सिविल सर्विसेज और जॉब्स, मैं आपको बताता हूँ। वो है IAS, IPS, IFS, IRS। और इसके अलावा अगर आप सेना को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी उसमें अड़चन आएगी। जैसे कि आप लोग भारतीय रक्षा सेना में अप्लाई नहीं कर सकते। नौ सेना में, सेना में, वायु सेना में, कहीं भी अगर आपके बॉडी पर टैटू है तो आप लोग उन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल अबाउट दैट गाइज। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव थिंकिंग और किसी चीज को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग, ये कंप्लीटली हमारा चॉइस है। मेरा ऐसा 100% बिलीव है दैट वी आर द क्यूरेटर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस गाइस। इसको लेके मुझे एक मॉन्क की बात याद आती है। उसका कहना था कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये बोतल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बोतल में पानी भरते हैं या पॉइजन। गाइस आपका माइंड भी ऐसे ही है इस खाली बोतल के जैसे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं या नेगेटिव। सो गाइस स्टे मोटिवेटेड, कीप ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड। चार टेस्ट मैच की सीरीज में जब इंग्लैंड ने इंडिया को पहला ही मैच हरा दिया था तो किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि टीम इंडिया इतना तगड़ा कमबैक करेगी। आगे के 3 टेस्ट मैच इंडिया ने कमबैक करते हुए और अपना गेम दिखाते हुए जीत लिए और इसी के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। आखिरी मैच तो बड़ा ही गजब था, सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया, जिसमें भी इंडिया ने इंग्लैंड को एक पारी और 25 रन से हराया। अंदाजा लगाइए कि टीम इंडिया की डोमिनेंस इस टेस्ट सीरीज में किस तरह की रही होगी। और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली, जिसमें जून में वो न्यूजीलैंड के साथ लॉर्ड्स के मैदान पे खेलेगी। गाइस आपका टीम इंडिया की जीत के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को। ग्वालियर के एक सैलून मालिक के घर पे जब एक बेटी पैदा हुई तो इस खुशी में उसने अपनी 3 दुकानों पर फ्री में बाल काटने का ऐलान कर दिया। जी हाँ गाइस, एक बेटी के पैदा होने पर वो इतना खुश थे कि उनकी दुकान पर जो भी आया उसके बाल काटने के लिए उन्होंने 1 भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहते थे कि समाज में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशियां लेके आती हैं, वो खुशियों के दिन होते हैं, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, उत्सव मनाया जाना चाहिए। जी हाँ गाइज, उस ग्वालियर के सैलून मालिक की सोच को मैं दिल से सलाम करता हूँ। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को। गाइस क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं, वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई? तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक फौजी से एटीएम गार्ड ने पूछा कि भाई आप डेली आते हो और 100 रुपए निकालते हो, इससे बढ़िया आप जरूरत के हिसाब से एक साथ क्यों नहीं निकाल लेते? तो उसके बाद जो फौजी ने जवाब दिया ना, वो आप लोगों को सुनना चाहिए।
फौजी ने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट से मेरी वाइफ का मोबाइल लिंक्ड है। जब मैं यहां से पैसे निकालता हूं तो मेरी वाइफ को एक मैसेज जाता है, जिसके बाद उसे और घर वालों को यह तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदा हूं। गाइज, फौजियों की भावनाओं को समझिए। वो सिर्फ हमारे लिए और देश की रक्षा करने के लिए ऐसी जगहों पर ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। तो आज हमारे सब फौजी भाइयों के लिए एक सल्यूट तो बनता है। गाइज, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। गाइज, एक जिंदा इंसान अगर पानी में तैरना नहीं जानता तो वो पानी में डूब सकता है और मर सकता है, लेकिन एक मृत शरीर अपने आप पानी में तैरने लगता है। ये कितनी अजीब सी बात है, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक तर्क क्या है, जरा उसे भी जान लेते हैं। देखिए, पानी में वो चीज डूबती है जिसकी डेंसिटी या घनत्व पानी से ज्यादा होता है। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इस वजह से हम लोग डूबने लगते हैं। लेकिन डूबने के बाद जब मृत शरीर में हम लोग परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में पानी घुस जाता है और अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पनपने लगते हैं और अंदर गैस बनाने लगते हैं, और उसी गैस की वजह से हमारी बॉडी का घनत्व या डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है, और इस वजह से अपने आप ऊपर आके हम लोग तैरने लगते हैं। यही इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे में आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कॉन्टेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है, और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती नहीं। क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। गाइज, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब